हेलो रोहन। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों से WD गैन के बारे में डिस्कस करूंगा। एक्चुअली ही वाज अ जीनियस कमोडिटी ट्रेडर एंड उन्होंने वो 18वीं शताब्दी में काफ़ी फेमस थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो कमोडिटीज़ को जो ट्रेड करते हैं वो यूज़ करते हैं लॉजिकल वे एंड एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें जैसे सन की चाल, मून की चाल। ओके जो उनका मैं वही चीज़ बिलीव करता हूँ जो कि होता है लॉजिक्स। तो जो मैथमेटिक एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग है रिलेटेड टू WD गैन वो होती है हमारी लॉजिकल चीज़ें, क्योंकि मैथ नंबर्स नेवर लाइज। ओके यूजली आपने सुना होगा नंबर्स नेवर लाइज, तो हाँ उसी के बेसिस पे काफ़ी अच्छा काम करता है ये हमारा सिस्टम, जो कि है जैसे क्रूड हो गया, निकेल हो गया और हमारे कॉपर हो गया, जो कि लिक्विड मार्केट होता है वहाँ पे काफ़ी अच्छा ये काम करता है। तो फिलहाल आप देख रहे होंगे कि ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। तो अभी क्या है ना सिस्टम कि ये जो पूरा यहाँ से जो डाउन ट्रेंड आया हुआ है वो अभी हम बोल सकते हैं ये डेली का चार्ट है, और आप देख सकते हो कि ये ट्रेंड इन कंटिन्यूएशन। ओके सो ट्रेंड जो कंटिन्यूएशन पे है तो वो अभी हमारे आपने देखा लास्ट डे की जो कैंडल है वो क्लोज किया हुई है, वो पूरी बीरिश कैंडल है। ओके तो अभी जो गैन के जो कैलकुलेशन होते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, वो क्या होता है एक्चुअली। वो इस बेसिस पे होते हैं कि जैसे कि आपने देखा कि प्राइस जो है, ठीक है, उसमें हमारे कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए, और यूजुअली गैन के कैलकुलेटर भी काफ़ी अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे गूगल करोगे अगर तो आपको मिल सकते हैं, जैसे कि आई शो यू गैन कैलकुलेटर। ओके जो लोग इस में रिसर्च और स्टडी में इंटरेस्ट करते हैं उनको मैं जस्ट थोड़ा सा गाइडेंस दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो आपको बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे, और स्क्वायर ऑफ नाइन है, बट काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ पे करेंट मार्केट प्राइस डाल दिया तो ये स्क्वायर ऑफ नाइन आपका कैलकुलेट करके दे रहा है, और इट्स जस्ट लाइक दिस। तो इसके बेसिस पे हमें क्या मिलते हैं, कुछ नंबर्स जैसे R1, R2, R3, R4, I5, S1, S2, बट दीज नंबर्स आर एक्चुअली नॉट इनफ टू बी मेक यू सक्सेसफुल। तो गैन का मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज़ बता देना जहाँ पे आप, जैसे ये वाला एक पॉइंट है, अगर वहाँ पे रिवर्स होना है ना तो उसकी एक पैसा भी नीचे नहीं जाएगा, एक पैसा भी। 53.70 है तो अगर यहाँ से रिवर्स होना होगा ना तो इसके नीचे जाएगा ही नहीं, वो 69 भी नहीं जाएगा। अगर 69 भी गया ना तो कोई मतलब नहीं है गैन का, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा हैवी ऑर्डर लगा रखते हैं जो कि एक्चुअली मार्केट को यूजुअली ऑपरेट करते हैं, वो इतने ज़्यादा हैवी ऑर्डर्स लगा रखते हैं कि एक पैसा भी नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो लेवल ड्रॉ कर रखे हैं, 53.70 और 50.06। तो अभी मैं बात करता हूँ गैन का एक्चुअली यूज़ क्यों होता है और किस तरीके से बेनिफिशियल होता है प्राइस एक्शन ट्रेडर को। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्यों लोग गैन गैन करते हैं एक्चुअली, कि वाई इट्स। और कोई एक तो मैंने देखा था कि $1 मिलियन में भी इसका कोर्स बेच रहे थे, तो इन द नेम ऑफ WD गैन, क्योंकि ऐसा है कि इनका एक मिस्ट्री है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी बुक्स में कुछ हिंट्स दिए थे बट एक्चुअली नहीं बताया था। जैसे अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये देखो ये इंगल्फिंग है, ठीक है, बट उन्होंने हिंट्स में बताया, और उसको डिकोड जो है ना, अलग अलग लोगों ने अटेम्प्ट किया डिकोड करने का। अभी जिसको पता है वो क्यों बताएगा किसी को ना, वो तो पैसा बनाएगा ना। अगर किसी को एग्जैक्टली पता हो गया कि ये वाला लेवल से रिवर्स होगा तो 10,000 का लॉट डाल दो, 20,000 लॉट डाल दो, पैसा बनना ही है, तो वो क्यों किसी को टीच करेगा या क्यों। तो ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, यूजुअली ये एक और रीज़न हो सकता है कि कोई किसी का $1 मिलियन में बेच रहा है। तो अभी इसका यूज़ बता दिया मैंने आपको कि यूजुअली प्राइस एक्शन में क्या होता है कि हम थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर इस लेवल पे भी हमें बाई करना है तो हम इसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है,
तो ये जो पॉइंट है ना, ये बफर जो एरिया है 53.33, वॉट एवर दिस लेवल इज 53.33, ओके। चलिए डेली का चार्ट है तो थोड़ा ज़्यादा बता रहे। तो ये भी जो गैप हो रहा है ना, ये भी अगर इन द केस इवन 99% भी अगर हम सही है, 1% भी अगर हमारा एसएल हिट होता है, तो हमें लॉस हो रहा है एक्चुअली ना। तो बट डब्ल्यू डी गैन के जो मेथड्स और जो लेवल्स होते हैं उसमें लॉस की समझ लो कि लॉस के जो चांसेस होते हैं बहुत ही रेयर होते हैं, 1% करके, ठीक है। और वो अगर होता भी है लेवल ब्रेक, तो उसका कोई अलग रीज़न होता है, आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक है, हो सकता है आपका कुछ ह्यूमन मिस्टेक है, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिल्टरिंग करता है और फाइन ट्यूनिंग मांगता है लेवल का कैलकुलेशन, जैसे कि ये वाले लेवल है एग्जैक्टली हम इसको उठा के नहीं डाल सकते लाइन वगैरह, क्योंकि ये उतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहेंगे। और इस तरीके से 10 जो लेवल बता रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एक या दो लेवल मिलता है और उसी के बेस पे हम ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी मैं बात करता हूँ कि सिर्फ हमें एंट्री नहीं, हमें एग्जिट भी हमें चाहिए। तो अभी देखिए, जैसे कि ये एक सिनेरियो है, ये है डेमो, ठीक है। तो डेमो भी है, मतलब क्या बोलता हूँ कि इट्स नॉट कम्प्लीटली, अभी जल्दबाजी में किया ऐसे और काफ़ी टाइम नहीं दिया है, हालांकि ये बहुत टाइम भी खाता है एनालिसिस। तो अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है, अगर यहाँ से रिवर्स हुआ तो होगा, ठीक है, 50। बट इन द केस इसके नीचे अगर इसने अगले दिन मंडे को यहाँ पे ब्रेक कर दिया इस लेवल को, तो अभी हमें क्वेश्चन आता है कि हटे कहाँ पे, ठीक है। कहीं भी नहीं हट सकते हम, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेक कर दिया, अगर हमने यहाँ सेल किया और हम सोच रहे हैं कि अरे चलो 10-5 पॉइंट मिल गया, हट जाते, ये कोई रूल नहीं होता है स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करने का। हमें एक टारगेट भी चाहिए, तो टारगेट हमें बताते हैं डब्ल्यू डी गैन का एनालिसिस, वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, आप देख सकते हो, ये दिस इज़ 51.50। तो अभी जैसे आपने देखा ना कि यहाँ से अगर किसी ने शॉर्ट किया तो बीच में हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है, क्योंकि उसका टारगेट होगा ये वाला। बट अभी यहाँ पे जो अगर इसके नीचे जो अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो अगर इसके नीचे कोई अगर शॉर्ट करता है तो उसका फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला, ठीक है। इट्स जस्ट डेमो, डोंट ट्रेड ऑन इट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल चीज़ है जो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, सजेस्ट फॉर नॉलेज। और उसके बाद अगर इसे भी ब्रेक किया तो ये वाला टारगेट होगा, यहाँ से रिवर्स होगा स्टॉक। तो ये होता है, अभी आप सोचो कि इसके नीचे ब्रेक करके यहाँ पे एक कैंडल क्लोज करके वो फिर रिवर्स करेगा, तो इसमें तो आदमी डूब जाएगा, ठीक है। अगर किसी का 10,000 लॉट लगाए ना, तो वो इतना वेट ही नहीं कर सकता कि एक कैंडल यहाँ क्लोज हो, फिर आप कहोगे तो लेवल फेक आउट है, फेक आउट है, वापस रिवर्स हुआ। द जो भी एनालिस्ट है वो क्लेम करेगा कि देखो रिवर्स हुआ, बट ये यूजुअली प्राइस एक्शन में चलता है। बट डब्ल्यू डी गैन के जो कंसेप्ट से ट्रेडिंग करता है, एक दो पैसा मुश्किल से इधर उधर होता है। 50.06 है ना, मैक्सिमम 50.05 चला गया, हो सकता है ह्यूमन एरर हो, एक पैसा आपने गलत ड्रॉ किया हो, बट जो लेवल कैलकुलेट अगर होके सही सही 50.06 आया है, तो उसके एक एक पैसा भी नीचे नहीं जाएगा। ये होती है पावर डब्ल्यू डी गैन के एनालिसिस की। हालांकि यूजुअली इसकी काफ़ी बुक्स हैं अदर अदर ऑथर्स की, जो आपको काफ़ी इंसाइट्स देंगी लॉजिकल वेज पे, बट यूजुअली जिसको भी ये मेथड्स पता है वो डिस्क्लोज नहीं करता है किसी भी वजह से, ठीक है। तो क्योंकि समथिंग इज ऑलरेडी वर्किंग, देन वाई समवन विल डिस्क्लोज इट। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा इंसाइट मिला होगा डब्ल्यू डी गैन के मैटर पे, ये क्या होता है और क्यों इतना यूजफुल होता है, एक्यूरेसी इतनी हाई होती है इसकी कि रेयरली बहुत फेल होते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन, वन मोर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे मैं ट्रेंड लाइन डाल दे, एक लेवल डाल देता हूँ, ठीक है। अब इस लेवल में मैं एक रेंज बना लेता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा मैं, रेक्टेंगल लूँगा, ये एक रेंज बना लेता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन लेवल्स जो होते हैं वो एक लाइन नहीं होती, एरिया होते हैं। तो ये मैंने एरिया बना लिया, ठीक है, कि इतना एरिया के अंदर मैं अपना एसएल रखूँगा। तो अभी मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट करा और इसने मेरा एसएल हिट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गैन का जो कंसेप्ट करता है उसके साथ ये नहीं होती, उसको ये नहीं पता, वो ये सारी चीज़ें मानता ही नहीं है कि ये लेवल है और यहाँ जाएगा,
उसको सीधा सीधा रास्ता पता है कि भाई यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा, वहाँ से ही प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। तो आप खुद सोचिए कि जो एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबल है मार्केट मूव करने के लिए, तो उसको ये लेवल पता होता है, क्योंकि जैसे ही वहाँ लेवल जाता है, आपने देखा कितनी जो तेज से रिजेक्शन आया, बिकॉज समबडी नोज दिस, ओके, वो ऑपरेट्स द मार्केट एंड ही विल नेवर टेल एनीवन, वो किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि इट्स समथिंग लाइक वर्किंग थिंग्स, ठीक है। और यूजुअली जो आपको कोर्सेस वगैरह में मिलता है, वो सारी चीज़ें गुमराह करने के लिए होती है, कि अभी जैसे किसी ने यहाँ शॉर्ट कर दिया, अभी कोई इसको भी लेवल मानेगा, यहाँ से देखिए रिजेक्शन है, शॉर्ट किया SL हिट, और अगर ज़्यादा लंबा SL लगाया, हाँ वो भी हिट, ओके। सो दीज आर काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स, और जिसको ऐसा लेवल पता चल गया तो फिर बात ही क्या है ना, फिर कितना भी लॉट आप डालो, कोई डजेंट मैटर, मनी इज़ योर्स, राइट। सो दैट्स व्हाट WD Gann प्रिंसिपल, और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रिंसिपल हैं, जैसे स्क्वायर ऑफ नाइन है, सर्किल ऑफ 360 है, एंड लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स डेट आर एक्चुअली लॉजिकल, बट कोई भी चीज़ रॉ जो फॉर्म में होती है ना, रॉ फॉर्म में जो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, वो वर्क नहीं करती, ओके, बिकॉज मार्केट इज़ नॉट समथिंग लाइक ईजी कि आपको ये वेबसाइट मिल गई, ये आपको लेवल मिल गया और हो गया काम, ठीक है। इसमें फिल्टरिंग रिक्वायर होता है, और काफ़ी अभी लोगों से चर्चा भी होती रहती है, जो कि ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनका WD Gann के बेसिस पे वो काम करते हैं, तो उनके जो बातें सुनता हूँ मैं, वो भी सारी लॉजिकल लगती है मेरे को, कि वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि यस दिस रिक्वायर्स फिल्टरिंग, वो किस अपने फॉर्मूला से फिल्टर करते हैं, ये उनका खुद का होता है एनालिसिस। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।